वर्ल्ड कप में जब आपका सफर शुरू हुआ, जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे आपके, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले मैच में ही आपने मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता, जिस तरीके की बैटिंग स्किल्स, इनको सीखने में आपको कुछ वक्त लगा या आप, क्योंकि क्रिकेट आप खुद भी खेलते थे बहुत? मुझे बल्लू सर वैसे तो अय्याश बैट्समैन बुलाते थे क्योंकि मुझे ट्रेनिंग, मतलब मेरे पास जितनी भी फुटेज, जैसा कि रणवीर ने बताया अभी, फुटेज उतनी ही है, तो उसमें जितना भी फुटेज है वो ही है कि यशपाल शर्मा बॉल मारे ही जा रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं, सब ग्राउंड के बाहर है, तो मैं ऐसे सोचता था मारना ही है बस। फिर उन्होंने बताया कि नहीं भाई, बैट क्लोज होना चाहिए, इतना लिफ्ट होना चाहिए, मेरा बैट बाहर से आता था, तो वो सब टेक्निक पे काम करते करते, मतलब कई बार इतनी बुरी तरह से बॉल लग चुकी है। हाँ सर, ये ही मैं बताने वाला था। साकिब बताओ, धर्मशाला में क्या हुआ था? बादाम शॉट खेलते खेलते इनके भाई समझ गया, वही हुआ इनका। और तब क्योंकि इन्होंने उससे पहले गलियों में क्रिकेट खेला है, तो जो अब्डोमिन गैप गार्ड होता है वो शायद उन्होंने पहना नहीं था, उस दिन पहना था, वो टूट गया। सर बस जाने नहीं देते थे, मैं इसीलिए उस दिन मैं ट्रेनिंग, और उस दिन यशपाल सर भी थे वहां पर, यशपाल सर भी एक अंदर ट्रेनिंग हो रही थी, एक बाहर हो रही थी, बाहर मैंने एक लड़के को, वहीं जो लोकल था, उसको पकड़ा हुआ था कि तू आ जा, तो हुक शॉट ट्राई कर रहा था, वो हुक शॉट ट्राई करने के चक्कर में गया, तो थोड़ा ऑन साइड पर प्रॉब्लम है मेरे को खेलने में, तो उसने बॉल डाली और वो पता नहीं कहां डायरेक्ट आई और राइट वाले पे लगी और शॉट के चक्कर में अखरोट डेंजर में 15-20 सेकंड के लिए उड़ चुका था। मैंने कहा यार अभी मुझे खड़ा होना फटाफट के, नहीं तो ये निकाल देंगे फिल्म से। तो खैर हालांकि वो बात कर रहे थे 89 की, तो मैं बता देता हूँ उनका मैन ऑफ द मैच बिल्कुल उनको मिला था, और उस सीन आपने देखा है फिल्म में, वो जाने से पहले कितने गुस्से में एग्रेसिवली बोल रहे हैं कि ये लोग हमें समझते क्या है। और फिर कपिल देव इकराम जैन से कि ये यहाँ पर जवाब नहीं देना है, यहाँ पे नहीं बात करनी है, उधर ग्राउंड में जवाब देना है। और वो जाते हैं, वो अच्छा खेलते हैं और 11 रन शॉट भी रह जाते हैं सेंचुरी से। लेकिन एक बात जो मुझे यशपाल सर ने बताई थी, मुझे ये नहीं था कि मेरे 11 रन शॉट रह गए 100 से, मुझे ये था मैं शायद और रन बनाता, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता टीम के लिए, तो उसका एक गुस्सा था, वो आए। लेकिन उसके बाद जो स्वागत होता है मैन ऑफ द मैच के तौर पर यशपाल सर का, वो एक बहुत ही अमेजिंग मोमेंट है। तो मैंने कुछ कुछ किया था अपनी तरफ से, वो हम बहुत लेटर ऑन शूट कर रहे थे, तो मैं करके मैं फटाफट गया, मैंने फोन किया यशपाल सर को, मैंने कहा सर आपने जब आप आए थे एग्जैक्टली क्या किया होगा आपने, मुझे बताओ एक्शन कुछ जेस्चर पोस्चर, क्योंकि वो बहुत कम थे, हमें बोला गया था कि ज्यादा जेस्चर पोस्चर नहीं थे। तो उन्होंने एग्जैक्टली कुछ ऐसा बताया जो मैं करके आया था शॉट पे, तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि हम कितने डूब चुके थे उन कैरेक्टर्स में, कि अब हम वही कर रहे थे जो उन्होंने किया होगा। तो वो यादगार पारी थी, उसने शायद एक अच्छी फाउंडेशन बनाई। फिर सेमीफाइनल्स में आपने मेरी पारी देखी कैसे मैं खेला 61 पे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट मैन ऑफ द मैच तो जिमी बना ना चिंपा, लेकिन बराबर रहा मैं आपके साथ, बट यू डिजर्व इट। पर फाइनल में तो धक्का हुआ, देखो फाइनल में तो और वो रोकता रहा, यश रुक यश रुक। हाँ शैंपेन पहले खोल दी थी आपने, एक मद्यपान खुल गई मेरे से पहले, हमेशा ये खोलता, ये बंदा खोलता था हमेशा। और मैं उस दिन खोलने की कोशिश कर रहा था, बाद में खोलने थी, खुल गई। पर सर वो सीन भी कैसे हुआ था ना? वो सीन अजीब है। तो उसमें सीन था कि ये पहली, उनको मालूम है कि क्योंकि संदीप पाटिल और कपिल देव पिच पे थे, 3-4 रन थे, तो उनको पता जीतना तो है ही, तो वो चेयर कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, और वो अचानक खुल जाती है, जैसे ही वो आउट होते हैं वो खुल जाती है, तो द होल टीम लुक्स एट हिम। तो वो सीन हमें करना था, तो मैंने प्रोडक्शन को बोल दिया था यार 4-5 बॉटल ले आना, कि पता नहीं कुछ हो जाए वो। तो उस दिन पता नहीं वो शैंपेन बॉटल को क्या हो रहा था, कि मतलब वो उसको हम छूते थे और वो खुल जाती थी, जो मतलब एक्शन बोलते पहले पटा ज्यादा कुछ एनर्जी आ गई थी, बच गई एक बोतल, वो एक बोतल ने कसम खा ली कि मैं खुलूंगी नहीं। तो वो 10 टेक हो गए, हिला हिला के मतलब वो बोतल नहीं खुली। मैं बड़ी कोशिश करता रहा, फिर आखिरकार हुआ है। अच्छा लेकिन कपिल पाजी का वो जो डायलॉग है, वी कम वो तो चिपक गया यार। हाँ ट्रेलर में ये एक डायलॉग चिपक गया, NFT बनने वाला उसका, चलो जय झूलेलाल माला माल। यार मैं किसी से मिला, उन्होंने कहा हम लोग हमारे ऑफिस के ऑफ साइट पे गए थे, और ऑफिस के ऑफ साइट पे वो चलो यार मीटिंग कर लेते हैं, ये वो व्हाट एस वी हियर फॉर, वो व्हाट एस वी हियर फॉर वो बन गया, सब लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं।
चलो शुरू करते हैं, इंटरव्यू शुरू करते हैं। व्हाट हैज वी हियर फॉर, वे ये तो चिपक गया भैया, चिपक गया रियली। आई से बिफोर वी हियर टू विन, और हमने ये कमाल कर भी दिखाया। लेकिन कई सारी ऐसी बातें, ड्रेसिंग रूम की जो बातें थी उसमें क्या इतने जो जबरदस्त कैरेक्टर्स थे आपके, एमी और हार्डी, ये इनसे कुछ तो खास बात है इस ऑनसोम की, और यही खास बात है इस टीम की कि एक एक कैरेक्टर्स कितने थे और एक सबका यूनिक कैरेक्टर। और हाँ, हमारे एमी पा तो मतलब एमी पा कुछ वो थीम सॉन्ग है, वो वाला गाना, हाँ वो सुनना चाहेंगे। और सब गाना तो गाना हार्डी सुना दो, गाना हार्डी सुना दो, हार्डी पाजी से भी सुनेंगे कुछ। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पाजी ने भी बोली है जी, जो हम धर्मशाला में गए थे, चलो फिल्म तो एक देन है सर, वो तो इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है सारी टीम ने, वो तो इंडिया के लिए एक फिल्म है, हमारे चाहने वालों के लिए, फैंस के लिए एक फिल्म है, हमें जो मिला है इस फिल्म से, पैसे भी मिले हैं वो अलग बात है, और सबसे बड़ी चीज़ जो यार दोस्त मिले हैं सर, भाई मिले हैं, मतलब सर 6-8 महीने इकट्ठा रहे हैं हम ऑलमोस्ट, तो सर कभी कभार किसी न किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो किसी न किसी की होती है ना जी। सर वी वर ब्लेस्ड, 6-8 महीने इकट्ठा रहे हैं सर, किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई सर, लकीली किसी के साथ किसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब मतलब एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, और अगर मतलब यार दोस्त हैं सर तो फिल्म में भी आपको दिखेंगे, तो ये मतलब ये जो चीज़ें हुई हैं इनके मतलब जो हक है सर इन्हों का, कबीर सर को और रणवीर पाजी को, और रणवीर पाजी की मैं एक सिफ्त है, मैं अपने इंटरव्यूज काफ़ी बार बोला हूँ पंजाब में भी, काफ़ी इंटरव्यूज में बोला हूँ, और मतलब जो इनका बिहेवियर है स्पॉट बॉय के साथ और सेम प्रोड्यूसर के साथ, मतलब वो कोई अलग नहीं है, मतलब ये इसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं और उसके साथ ऐसा बिहेव, सो इनकी सबसे बड़ी बात है ये हर बंदे को सेम, मतलब हम तो 14 इकट्ठे आए और हम सबको इतना ज़्यादा प्यार किया पाजी ने, हम थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू पाजी। एक कोई आपके आप रणवीर पाजी वो बर्मिंघम में अभी शो करके आ रहे हैं, हमारे लिए भी एक ऐसा होना चाहिए, हमारे में भी जोश और बढ़े हिंदुस्तान के फैंस के लिए भी। जी सर मैं अपने गाना सुना देना कोई, जी जी प्लीज, हार्डी पाजी से भी सुनना है। नी मैं कम धंधे सारे छड़ के हो तेरी वांग दा लैला नाप, जो तेरे दिल विच धड़क रहा है वो मैनू बिलकुल सुनदा है साफ, वो मलो मल्ली डिग पैंदा है जमीन ते, होवे प्यार वाला फल जदों पक्या वो पला कंधा नू करा के होर उच्चिया, कीने उड्डने सपा नू बिल डक्या, तेरा हुसन है बर्फ जया देखी तप तप बन जाए पाफ, नी मैं कम धंधे सारे छड़ के वो तेरी वांग दा लैला नाप। थैंक यू सर, जबरदस्त आड़ी पाजी। ड्रेसिंग रूम के एक और मैं गाना सुना देता हूँ, उससे पहले एक चीज बोलने लगा था, जब हमने स्क्रीनिंग हुई थी फिल्म की, हमने 11 तारीख को फिल्म देखी है हमने जी, ये बोल रहे थे कि किसी के साथ बहुत सारा प्यार है, बिकॉज मेरी साकिब से बात हुई रात को एंड वी वर लिटरली क्राइंग, सुबह 6 बजे वी वर लिटरली क्राइंग एंड यू वर सेइंग कि ये जो 15 बंदे हैं ना, ये अब जैसे हम फिल्म में देख रहे हैं, जैसे हमारी बॉन्डिंग है पूरी लाइफ के लिए, हम किसी के लिए भी जान भी दे सकते हैं, ऐसी बॉन्डिंग है हमारी जी। तो बाकी मैं गाना मैं आपको सुना जी, गाना सो आई सिंग बिजली गिरा रही है फिल्म भी। चन दी कुड़ी बदलां दी पैन सर तेनू बिजली बिजली कैन, जिदे उत्ते गिरदी बचदा वी कख नी, तारे वी डर के रैन, सिंड्रेला ओ सिंड्रेला तेरे उत्ते आया, दिल मेरा घुंगरू पा के नचाया, आ जेड़ा काला कज्जल पाया, लुधियाना सारा ही पिछे लाया, लुधियाना सारा ही पिछे लाया, तेरे तक के गोरिए नैन, चन दी कुड़ी बदलां दी पैन सर तेनू बिजली बिजली कैन। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त।